तो इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा मैं कि सात पुश्ते मेरी याद रखी। जरूर जरूर। अरे जनाब कोई घर में है? हैंगे? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे आइए आइए जनाब आइए। जी जी बस कीजिए। इन जनाब की तारीफ? मैं तो डिप्टी साहब, इनकी कोई तारीफ तो है नहीं। अच्छा। नाम इनका अनु है, हमारे रिश्तेदार हैं, जरा फूहर किस्म के हैं, बदतमीज। अच्छा अच्छा दिख भी रहे। मैंने जाओ अनु, उस रकाबी में चाय ले आओ। हमारे घर रकाबी कब से कभी नहीं चाय ले। अरे वही रकाबी अनु जो कादरी साहब के यहाँ से मंगवाई गई है, मेहमान आए हैं ना, वरना अपने यहाँ तो गरीबाना जापानी बर्तन ही है। जाओ ना अनु। अरे जा रहे नहीं, जा रहे नहीं। खाने भी नहीं देता। ये मकान जनाब का जाती है? अजी जाती कहा, हमारी खाला का है, बस उन्हीं का नाम है। अच्छा अच्छा। वैसे डिप्टी साहब जी, तो आप ये चाहते हैं कि निकाह जल्द से जल्द अंजाम पा जाए ताकि आपको रुख्सती भी फौरन ही मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये दुरुस्त फरमाया आपने, वो क्या है कि हमें ही थोड़ी जल्दी हो रही है। शुक्रिया शुक्रिया। नहीं डिप्टी साहब, मेरा मतलब ये है कि आपके घर में पहली बीवी तो मौजूद है, फिर दूसरी शादी करने की जरूरत क्यों पेश आई? जी वो बात ऐसी है कि वो हमारी जो बेगम है वो जरा हमारे हिसाब की नहीं है, वो एकदम अनपढ़ है, जाहिल है, एकदम जाहिल। उनके साथ हमारा जरा वो नहीं। नहीं जी, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। लेकिन डिप्टी साहब, आपको ये कैसे मालूम कि मेरी बहन आपकी हम ख्याल होंगी? अरे वो तो होंगी ही, वो तालीम याफ्ता है, समझदार है। लेकिन वो आपसे उम्र में 25 साल छोटी भी है। छोटी है ना, आपकी हम ख्याल कैसे हुई? वो आलिमा है, समझदार है, और हमारी बेगम जाहे लदबर गवार। डिप्टी साहब आप बात को समझ नहीं रहे। अरे हमारी बहन एक नंबर की फुहर और लड़ाका है। अब आपसे क्या छुपाई जाए डिप्टी साहब, बात 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 पर टसवे बहाने लग जाती है। अच्छा क्या हो गया, हमें उनके खिलाफ कुछ भी कहने की जरूरत ना होगी, और अगर उन्होंने एक दो बातें बेजा कर भी दी तो हम उन्हें माफ कर देंगे। लेकिन डिप्टी साहब माफ कीजिएगा, आप जरा रोमांटिक हुए जा रहे हैं। वो तो हम बचपन से। जरा सोचिए डिप्टी साहब, अरे क्यों अपनी अच्छी खासी जिंदगी में कांटे बो रहे हैं? तो सच्चाई मिट जाएगा। अरे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद बर्बाद बर्बाद। हम आपका मतलब नहीं समझे। अरे डिप्टी साहब मतलब छोड़िए, आप ये फर्ज कीजिए जी, आपको हमारी सभी शर्तें मंजूर है? शर्तें? अच्छा वो तो सारी मंजूर है। क्या लीजिए, लड्डू खाइए। डिप्टी साहब जी, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आप कहाँ से लाएंगे इतना सारा रुपया? 70,000 रुपए। और हज तलाक? और जब तलाक देना ही है तो शादी कर ही क्यों रहे हो? कर ही क्यों रहे हो? तो शादी का लड्डू जी हाथ तक आया, हाँ, पर मुंह तक नहीं आया। ये ठीक नहीं है। देखिए हम आपका मतलब नहीं समझे डिप्टी साहब। अब यू लीजिए, जरा फर्ज कीजिए जी, अगर निकाह के अगले ही रोज जोरा आपको तलाक दे दे तो? बेवजह कैसे? बेवजह क्यों? लिहाजा वो यही वजह बताएंगी कि चूंकि बुजुर्गों ने जबरदस्ती की थी अब वो दूसरी शादी करना चाहती है। अरे शरीफ घरानों में ऐसा कहीं होता भी है? अजी क्यों नहीं होता है। अरे आजकल तो ऐसे बहुत तेरे वाक्य सुनने को आते हैं डिप्टी साहब। और आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, आप अब जरा यहाँ फर्ज कीजिए, अगर मैं बन्ने खां जोरा को जबरदस्ती आपसे तलाक देने पे मजबूर कर दूं तो जबरदस्ती कैसे? वो ऐसे डिप्टी साहब जी, जैसा अभी हो रहा है कि उसकी जबरदस्ती शादी हम आपसे करवा रहे हैं। आपसे? Yeah.
ना 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 देखिए हमें आप लोगों पे पूरा भरोसा है। बोला बेचारा वो आपकी जगह देखिए साहब आप जरा भोले भाले सीधे साधे किस्म के इंसान हैं जी। हमारे हथकंडे आप कहाँ समझेंगे। आप देखिए ना ये सारा का सारा से हमारा थोड़ी है। हमारा नहीं है। नहीं अरे सिप्टी साहब क्या से मंगवाया गया है। मेहमान आ रहे हैं ना उन पे रौब झाड़ने के लिए। हाँ उनकी बेटी से लाया हूँ मैं। सिप्टी साहब चीड़ा फांसने के लिए फटके लगाने पड़ते हैं। देखिए हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। दीप्ती साहब तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप नहायत ही सीधे साधे भोले भाले किस्म के इंसान हैं। हमारे तरीके आप कहाँ समझेंगे। अरे आपने कुछ खाया क्यों नहीं। नहीं लड्डू नहीं, नहीं, नहीं। अरे वो हमारी ट्रेन है। अरे ऐसे कैसे एक लड़ी 4 बजे की ट्रेन है। अरे नहीं साहब लड्डू खा लीजिए। अरे 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 अरे